पंडित परशुराम म्यूजिक के माध्यम से बिरहा रउआ सबके बीच में विदा कर रहल बानी। रिसान स्टूडियो बक्सर, रिकॉर्डिस्ट श्री सोनू मिश्रा जी, कैमरामैन हमरे अरुण भैया जी, हारमोनियम पर स्वागत करे वाला हीरालाल भाई जी, ढोलक पर मंटू बाबा आ कोरस पर बुत्रू यादव, अंगद यादव और भैया रामनिवास यादव जी। ता रउआ सबके गीत विदा कर रहा बानी। आशा बा कि हमरा के उहे प्यार दुलार दे। आ रउआ सब पंडित परशुराम म्यूजिक चैनल के रउआ सब सब्सक्राइब कर भूल मत। आ गीत के ध्यान से सुनम। आई मास्टर चंदन के डाली में लिपुटल रहे, चाहे अमृत में वो के डुबावल गईल, पाके मौका कुकर्मी धोखा करी, दुख करास कतनो सुनावल गईल। अरे द्वापर गई सर पे कल जुग चढ़ल, दर्द धर्मी से अधर्म करावल गई। ए बाबूजी, चंदन के डाली में हमेशा सर्प लिपटा रहेला, आ सर्प के केतनो तू दूध में डुबा खब, लेकिन वो धोखा करबे करी, वो बीस उगलबे करी। तो ये हवा एक लाइन है गजल का टुकड़ा बा, तनी बढ़ा दा। एगो बिरहिन के पति परदेश भरन, राजा जी लुधियाना में जाके कारखाना काम करता रहन। कहता रे राजा जी जाड़ा बर्दाश्त नहीं के हो, का कहता रे फोन पर, अरे पूरा जाड़ा हमें सताईला, कवि जी का नाम है भाव लिख ली। क्या लिख ली? अरे क्रोध पापो का मूल है साथी, का मूल है साथी।
शुक्रिया। नजम के लाइन बा। दोपहर के अंतर हल कलयुग के शुरुआत भइल, दोपहर के अंतर हल कलयुग के शुरुआत भइल, राजा परीक्षित से कलयुग के बात भइल। कहा हम जाई राजा दे दया सथनवा हो, कहा हम जाई राजा दे दया सथनवा हो, तोहरे राज में मोर जरल चाहे तनवा हो। जुआ शराब अउरी रह रंडी मंडी में, जुआ शराब अउरी रह रंडी मंडी में, सोना में बास कर झूठाया पखंडी में। राजा के बात सुन के मुकुट में समाइल बा, राजा के बात सुन के मुकुट में समाइल बा, राजा परीक्षित के मति पगलाइल बा। ए बाबूजी, द्वापर युग के आखिरी चरण रहल, द्वापर युग खत्म होखे वाला स्थिति में बा, तब तक कलयुग महाराजा के खड़ा हो गए। पूछलन पहला बार राजा परीक्षित से मुलाकात भइल द्वापर युग में, राजा परीक्षित रहलन आ त्याग के कलयुग महाराज खड़ा भइलन, तो द्वाप पूछे लगल राजा परीक्षित की भाई रउआ के बानी। कहलन कि हमार हमके लोग कलयुग कहलन, आ हम अब राउर पहरा द्वापर के पहरा खत्म हो गए बा, हमार पहरा आइल बा, ता तनी बतैती कि हम कहाँ बास करी, ऐसे कि हम धर्मत्मा रुआ राजा बानी रुआ राज में जा, तनी तुझा था कि हम जर जाई। कहलन के स्थान मांगल चाह तरह तर तुहार कई गो स्थान बा, जहाँ शराब बेचात होखे, जहाँ रंडी खाना होखे, जहाँ जुआ होखत होखे, आ जहाँ सोना होखे, सकेला। राजा परीक्षित के बाबूजी सिर पे, राजा परीक्षित के सिर पर सोना के ताज रहल, वही ताज में कलयुग महाराज प्रवेश कर गए। आ जब कलयुग महाराज प्रवेश केला राजा परीक्षित के सोना के मुकुट में, त कलयुग अपन पहरा देखावे लगल, असर देखौलन। आ जब कलयुग असर देखौलन, त भइल का एक लाइन हमारा गीत लागे। कही तू ताये धानी तोहरी गली आईती जाती, तोहरी गली आईती जाती, हे लक्ष्मी तनी ध्यान दो तुहरे खातिर एक लाइन बा। कही तू ताये धानी तोहरी गली आईती जाती, तोहरी गली आईती जाती, छत पर से कर तू हेलो हेलो ये चमक चलो, कर तू हेलो हेलो ये चमक चलो, लेकिन इतना धून बा टोन बा। आज जब कलयुग महाराज मुकुट में घुसलन, तो भइल का बा, भइले सावरवा कलयुग बदल बिचारावा हो, पता लल बिचारावा हो, धर्म के कोई दिहले हानि हो कि यानी राजा, दिहले हानि हो कि यानी राजा, जब कलयुग महाराज मुकुट में समैलन, जे धर्मात्मा राजा बा, वो अब दुष्टता पर उतर गए।
का शैतानी कैलन श्रृंगी ऋषि बनावा में धैलन धिया नावा हो बनावा में धैलन धी मरल एक सर्प डाले राजा गरदा नावा हो राजा गरदा नावा हो चल भैले कई के तानी हो गया नी राजा कैसे सहे तानी हो गया नी राजा ओ हो अब जे धर्मात्मा राजा बा जे ज्ञानी राजा बा आज कलयुग के जब असर भई ता कुकर्म करे पे उतारू हो गई कुछ है दूरी पर श्रृंगी ऋषि ध्यान मग्न बाड़न ओ समय राजा परीक्षित एगो मुगल सांप ले जाके आ वो श्रृंगी ऋषि के गर्दन में डाल दिया देखे कलयुग के असर डल्ला ना डाल के चल गेलन लेकिन कुछ है समय के बाद श्रृंगी ऋषि के बेटा लोमस जब अलन तो देखत रन की बाबू के गर्दन में सांप लपकल बा उस समय कैलन का विदेशिया के लाइन में तने और बढ़ जा कैलन का कि श्रृंगी के पुत्र लोमस अइलन तवन छनावा हो देखे मरल सांप एका राजा गरा दनावा सोचलन समझलन नाम श्रपऊ सुनाई दिहलन इहे सरी प्रत्यक्ष कबानी लिही तोहरो जनावा श्रृंगी ऋषि के बेटा लोमस जब अपने पिता के गर्दन में सांप देखलन त आग बबूला हो गलन कि आखिर में के कैल भाई कि पिताजी हमर ध्यान में बड़न सांप लटकावल त के लटकौल कर गर्दन में लेकिन जब ध्यान से देखलन तो पता चलल कि गलती करे वाला राजा परीक्षित हुआ अब श्रृंगी ऋषि के बेटा लोमस आज क्रोध में आके आ राजा परीक्षित के श्राप दे दिहलन कि जाओ राजन यही सर्प तुझे एक दिन तक्षक सांप के रूप में तुझे काटेगा और तेरी मौत हो जाएगी ए भैया हो श्राप तो दे दिलन श्राप तो श्राप होला लेकिन ये बात के जब श्रृंगी ऋषि के पता चलल कि लोमस श्राप दे दिया राजा परीक्षित थे तो कहलन कि अरे भाई बेटा बड़ी तू गलती कैला राजा परीक्षित के उन्होंने गलत आदमी ना हुआ अरे वो तो धर्मात्मा हुआ और उनके तो ऐसा श्राप दे दिले अच्छा काम ना कैला तब इस सोच के एगो बात कहलन श्रृंगी ऋषि कहलन का गीत लागे लिख लाई गीत बा कि तोह के चढ़ैबो मैया तोहके चढ़ैबो मैया नारियल चुनारिया हो की गंगा जी तोहके चढ़ैबो मैया नारियल चुनारिया हो की गंगा जी आधा जल में पारला मोरा नेवारिया हो की गंगा जी बेटवा लोमस के श्रृंगी ऋषि समझावत आ रहा का समझौलन आई संधार मतमा संग में कैला तू न दानिया हो कि बेटा हमरो आई संधार मतमा संग में कैला तू न दानिया हो कि बेटा हमरो सुना हो जई है राजा Thank you.
होते बिहान जाइबे राजा के मकानिया हो कि बेटा हमरो राजा के मकानिया हो कि बेटा हमरो राजा से कहबो निज जुबानिया हो कि बेटा हमारे धर्मात्मा राजा के तोरा श्राप देवे के ना चाहत रहला ए भैया सबेरवे के बेरा में श्रृंगी ऋषि राजा परीक्षित के पास में पहुंचलन कहलन कि राजा साहब माफ करब हमर बेटवा बड़ी गलती कर देले बा कि रउआ के श्राप दे देले बा कि हे सांप तोके तक्षक ना के रूप में एक दिन तोके काटी ई खबर चारों तरफ भैया पूरा आगे के तरफ फैल गई कि धर्मात्मा राजा के श्रृंगी ऋषि के बेटा लोम श्राप दे देले बा तो यहाँ गांव के लोग बड़ा दुखित बाड़न गीत बा भाव का बा कि जीव जंतु रोवे पर जा सारी हाहाकार मचल रजधानी ने परोहित बोल पड़े श्राप लगल नादानी में परोहित बोल पड़े श्राप लगल नादानी में चारू पूरा राज में चर्चा बाप कि लोम श्राप देले बड़न कि तक्षक नाग राजा परीक्षित के काटी राजा मर जाए एकर निवारण का बा गुरु जी बतौलन कि लड़का तो गलती कर दिले बा नदानी कर दिले बा लेकिन एक ही उपाय बा का बताओ तरन गुरु लोग पूरा न सुनो पानी अंदर तब साप कटेगा लो मानी सामान संग में सब मंत्र उचारत है ज्ञानी नव दीन बितलयन तिमत सवा सब लोग रहे निगरानी में न बितलयन तिमत सवा सब लोग रहे निगरानी गढ़पुराण नगर राजा पानी के अंदर गढ़पुराण सुनिहन ता श्राप जेवन बा तेवन टल जाई बचे के ये उपाय बा ए भैया हो तालाब के अंदर मचान बनावल गईल आ गढ़पुराण होखे लागल देखे ओजे गढ़पुराण होखे लागल राजा परीक्षित उ गढ़पुराण सुनत बाड़न लेकिन एने धीरे धीरे नौ दिन बीत गए आखिरी नौवा दिन बा एकरा बाद दस दिन के तगड़ पुरान रहल नौवा दिन बीतल दसवा दिन सर्प जेवन बा तक्षक नाग ठीक समय से चलल बा राजा के डर से खातिर लेकिन जे वही चलन हन नाग चलल डर से खातिर वही रास्ता में धनवंतरी के भी पता बा कि राजा के सांप काटे वाला बा आ धनवंतरी वैद्य उ रहलन कि अगर कोई के सांप काटे तो अपना जड़ी बूटी से जिंदा कर देते रहलन तो उ भी जात रहलन कि कौन ऐसा सांप बा कि हम राजा राजा के काटी कि ताकि हम बचा ना पाई रास्ते में तक्षक नाग और धनवंतरी महाराज से भेंट भई देखे दोनों उन लोग से भेंट होत बा सांप कहलन कि कहाँ जात बानी महाराज रुआ वैद्य महाराज कहलन कि रे भाई आज सांप काटे वाला बा राजा परीक्षित के आओ नहीं के बचावे खाती हम जात बानी आप कहलन कि भैया हम तो काट ही जात हैं देखें दोनों लोग में तर्क वितर्क होखे लगा
आखिर में कहलन कि तब तक तू काटिए देव हम बचाइए दे, तो फिर फायदा का होई। नाग तक्षक नाग बतौलन कि एगो काम करी, अगर हम काटब रुआ जी आ जाए तो फिर ब्रह्म के ब्रह्माक जवन बात उन खाल चल जाए, केवनो महत्व न रहिए से रुआ ये से निपट के चल चल। तो भैल का बात टेरी के लाइन बा और तनी बढ़ जाओ ऊपर। अरे उपैया सारा, अरे उपैया सारा माटी में मिली, अब उपैया सारा माटी में मिली, ब्रह्मावा कटली ना लाख कर चतुरैया, अरे चतुरैया, अरे चतुरैया। महाराज धनवंतरी महाराज रुआ लौट जाये ना तो ब्रह्म के ब्रह्मवा खाली चल जाये, फिर के उन्हों महत्व ना रही श्राप के। समझ के बाबूजी धनवंतरी महाराज कैलन का गीत लागे लिखलैनी हवा। मीठी मीठी बातियों में सोनाया सारा दिया हो, आज तू हूँ अनजान बड़ा हम हूँ अनजान बनी, पहला बार मिलन बाए लक्ष्मी जी। मेहरारू बतावती है जियान मत कर, समय के महत्व रखा का कहे। मीठी मीठी बातियों में सोनाया सारा दिया हो, सर्प जवन बात कैलन का बता के लौटल देखी सर्प खुशा भाई ले हो, सर्प खुशा भाई ले हो। बता के लौटल देखी सर्प खुशा भाई ले हो, आगे बढ़ल फना तारा चलल बा। एक तरफ धनवंतरी महाराज चल दिहलन, एक तरफ तक्षक नाग पहुंचल का हवा जहवा की तालाब के अंदर राजा परीक्षित पानी में मचान पर जहां गढ़पुराण सुनत बारन। जाई कैसे चारों तरफ पानी बा, तब सर्प कैलस का कि जहां फुलवारी बा वही में छोटा रूप बना के कैलस का हु जाई फुलवारी में छुपल सहायता नावा हो, मन मन करे लगी चारा ये बाबू, करे लगी चारा ये बाबू। जा फुलवारी बा सोच गई कि ऐजे रहब आ नियम तो बड़ले बा फूल के तो जरूरत लगबे करी, जे वही माली फूल लोढ़े खातिर आई तुरे खातिर आई तो छोटा भंवरा के रूप बना के आ वही फूल में समा गई। तक्षक नाग जब समाई ले भैया हो तब माली वही फूल के तोड़ के आ ले के गई मचान पर जहां राजा परीक्षित पानी के अंदर मचान पर गढ़पुराण सुनत बाड़न। तो जब पहुंचल वहां तो होत का बा अल्हा के लाइन बा। फल तो के मिली है, अरे करनी के फल जाई झट से जाना,
बाबूजी उहे फूल लेके अमाली पहुंचल राजा के पास में। जब ही राजा के गर्दन में वो फूल के माला परल ते वही तक्षक नाग जवन बा राजा के डस दिहलस। आ राजा के डसला के बाद उछी पानी में कूदल और सर्प निकल गई। देखे सर्प जब निकल गई राजा तो मर गई। चारों तरफ पूरे राजधानी में हाहाकार मच गई कि धर्मात्मा राजा परीक्षित के मौत हो गई। देखे ता उहे जीवन आज भी प्रमाण बा कि जीवन सांप जीवन सांप कूदल तक्षक नाग ओकरे आज परिवार जितना भी सांप बड़न वही ओकरे सब लर जर बड़न परिवार बड़न। लेकिन कहे के मतलब बा कि कलयुग जीवन बा अपन पूरा असर देखा दिहलस। तब उस समय के लिखे के पड़ल खड़ी के लाइन में धांधली होत बा कलजू के पहरा हमंट भैया बुतरु भाई असर बा जाइल ना कि निमनो आदमी के ईमानी डोला देला तो कलजू के प्रभाव है लक्ष्मी जी बुझाइल ना। ऐसे एकरा पर ज्यादा सोचे के नहीं है लेकिन समय कवन रहल कवन तिथि रहल कहिया कलजुग के शुरुआत भइल कहनाम बा भादोपदित रसबिहनी नक्षत्र के समय बीती पात्र जोग दिन अतवार के भई अरे सूर्य अस्त हो तो पैसार हो गई सूर्य अस्त हो तो पैसार हो गई तो भैया धरती पे कलयुग सवार हो गई। भैया हो इस शाम के समय में अतवार दिन रहल वही दिन कलयुग के प्रभाव पड़ल। द्वापर बीतल कलयुग के वही घड़ी पहरा हो गई। आखिरी लाइन में गुरु घराना का परिचय बा सदगुरु स्वामी हवि बुला राधे इंदु सिरिना गुरुजी बंशी साधु अमर सपर सु साथी अरे उपैया सारा माटी में मिली अब उपैया सारा माटी में मिली तो भरती सूर्य दर के दहीने शरद भैया उपैया सारा माटी।